नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव फॉर सिद्धि कम्युनिटी। ठीक है, विधान परिषद से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट और इन कर्नाटका जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्या किया है, जो सिद्धि कम्युनिटी का शांताराम बुद्धा, कौन शांताराम बुद्धा को मेंबर ऑफ MLC, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किया है। ठीक हो, किसको? शांताराम बुद्धा सिद्धि को। ठीक है, उन्होंने उसको नियुक्त किया किसमें? MLC में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें क्वेश्चन बनता है कि सिद्धि कम्युनिटी कहाँ की है, उसकी जो खासियत क्या है, ठीक है, उसको हम जानेंगे। जो सिद्धि कम्युनिटी है ये कहाँ की ट्राइबल है? ये है हमारी कर्नाटका की। ये है कहाँ की? कर्नाटका की। कर्नाटका की ये ट्राइब है एक। ठीक है, जो कहाँ पे बिलोंग करती है? वहाँ पे धारवाड़ में, बेलगावी में और उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में ये बिलोंग करती है। लोकेशन कहाँ पे सिद्धि ट्राइब की? कर्नाटका में। जो मेन क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धि ट्राइब कौन से राज्य की है, वो है कहाँ की? कर्नाटका की। ठीक है, अब जिसका स्टेटस है वो है क्या, जो कब डाला गया है इसे? 2003 के एक्ट के थ्रू इसे सिद्धि ट्राइब में यूनियन, जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको कब डाला था? 2003 में इसे क्लासिफाई करा था। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में इसे क्लासिफाई करा था भारत सरकार ने 2003 में, किसको? ये जो सिद्धि कम्युनिटी है। ठीक है, अब इसलिए क्यों डाला था इन्हें? भाई जब शेड्यूल ट्राइब में डालते तो कोई उसके पीछे कोई मकसद होगा, उनके पीछे कोई चीज़ होगी। क्या चीज़ है जो उनको, जिस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है? वो इकोनॉमिकली और सोशली वो क्या है? बैकवर्ड है। ठीक है, इसलिए उन्हें कहाँ डाला गया? शेड्यूल ट्राइब में उन्हें डाला गया। अब शेड्यूल ट्राइब में भी नहीं, उससे भी जो अलग कैटेगरी है क्या, PVTG, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब, जिनकी कंडीशन शेड्यूल ट्राइब से भी बहुत बदतर होती है, उन्हें डाला जाता है PVTC में। अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत में टोटल कितनी PVTs है। ठीक है, कितनी PVTs ग्रुप है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब इन्हें डाला गया कि किस वजह से डाला? इकोनॉमिकली और सोशली क्या है ये? बैकवर्ड कम्युनिटी है। ठीक है, और इन्हें किस में डाला गया? PVTGS में डाला गया। ठीक है, किसको? सिद्धि ट्राइब को। अब क्या है इनका जो सिद्धि ट्राइब का जो वर्क है, क्या करते हैं उनका वो जो मेन वर्क होता हुआ करता था, क्या हुआ करता था? हंटिंग और गैदरिंग ट्रेडिशनली। मतलब इनका जो मेन वर्क होता था, किस पे डिपेंड होते थे? ये हंटिंग पे डिपेंड होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है इनका जो आज के डेट में जो उनका मेन सोर्स है काम करने का, लाइवलीहुड क्या है इनका? लेबर और एग्रीकल्चर पे ये डिपेंडेबल है। कौन? सिद्धि ट्राइब। लेबर और एग्रीकल्चर पे ये डिपेंडेबल है। और जिनका हिस्ट्री है, मतलब माना जाता है कि इन्हें कहाँ से अफ्रीकन ओरिजिन है। ठीक है, और निग्रोइड रेशियल स्ट्रेन के है ये। ठीक है, जिनका जो फिजिकल फीचर है वो क्या है? निग्रोइड रेशियल का फिजिकल फीचर है, इनका माना जाता है कि अफ्रीकन ओरिजिन है ये। ठीक है, ये इसमें मेन है। अब जो इसका रिकॉर्ड है, मतलब ये माना जाता है कि इन्हें जब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उस टाइम इन्हें सोल्जर और स्लेव के फॉर्म में इंडिया लाया गया था। किसको? सिद्धि कम्युनिटी को। इनका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका से। और जो इन्हें कब लाया गया? जब इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उस टाइम इन्हें सोल्जर और स्लेव के फॉर्म में यहाँ पे लाया गया। ठीक है, ये था हमारा सिद्धि कम्युनिटी के बारे में। अब है हमारा डीपी सिंह कमेटी। अब डीपी सिंह कमेटी क्यों फॉर्म की गई, किसने फॉर्म करी? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, HRD ने। अब लेकिन इसका अब नाम बदल के क्या हो गया है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर इस टाइम कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब जो इन्होंने क्या है, डीपी सिंह कमेटी को क्यों बनाया है? डीपी सिंह कमेटी बनाने का मकसद क्या था, क्या एम है, क्यों इन्होंने बनाया? इन्होंने इसलिए बनाया कि जो हमारे जो स्टूडेंट है जो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, जैसे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट फॉरेन पढ़ने जाते हैं, उनको कैसे रोका जाए वहाँ पे जाने से? हम क्या सुविधा रखें उनके लिए इंडिया में कि वो इंडिया में ही वो पढ़ सके? ठीक है, तो इसलिए डीपी सिंह कमेटी को बनाया गया कि तुम भाई ऐसा कुछ
विचार दो कि इंडिया जो इंडियन स्टूडेंट है वो फॉरेन ना पढ़े, फॉरेन ना जाए, उनको इंडिया में ही रोका जाए। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा इंडिया का कि इंडियन जो स्टूडेंट है फॉरेन ना जाए? पहली चीज तो जो हमारा स्किल है वो स्किल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, हमारा स्किल जो मेन स्किल है वो बाहर नहीं जाएगा। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा फायदा होगा कि जो हमारा इकोनॉमिकली जो हमारा डॉलर जो बाहर जाता है वो इंडिया में ही वो कंट्रोल हो जाएगा, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू पैसा मिलेगा, वहाँ से जो बाहर जो पैसा जा रहा है वो इंडिया में ही वो इन्वेस्ट होगा। जितना पैसा इंडियन स्टूडेंट बाहर दे रहे हैं उतना इंडिया पे वो पैसा जमा हो जाएगा ना। इसके दो बेनिफिट है, पहला है स्किल, मेन स्किल है जो हमारी, जो मेन स्किल है वो जो हमारी जो मेन स्किल है स्टूडेंट के अंदर वो सब बाहर चले जाते हैं पढ़ने, वो इंडिया में नहीं रहते। तो डीपी सिंह कमेटी का जो मेन एम है वो यही है कि इंडियन स्टूडेंट को कैसे इंडिया में ही रोका जाए और इंडियन यूनिवर्सिटी को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसका जो मेन मकसद है, ठीक है। जो ये जो प्रोफेसर डीपी सिंह है वो चेयरमैन किसके किसके हैं, वो है हमारे यूनिवर्सिटी यूजीसी के चेयरमैन है, ठीक है, जो इसके कमेटी के हेड है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है जो इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि इंडियन यूनिवर्सिटी को कैसे अच्छा बनाया जाए और जो इंडियन स्टूडेंट है उसे बाहर जाने से कैसा रोका जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, FRA। FRA क्यों न्यूज में है, जो FRA है जो हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसने क्या करा है, एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा कि जो FRA है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा कि FRA किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये पब्लिश किया जाता है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है। जो मेन इसका पहला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। इसके बाद है हमारा, और ये एवरी ईयर हर पाँच साल में ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, कब से, 1990 के बाद ये रिपोर्ट हर पाँच साल में ये पब्लिश किया जाता है। अब इसका जो एम है इस रिपोर्ट का, इसको मेन एम क्या है, जो हमारे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट है हमारे देश में, मतलब जो भी हमारे जंगलों में जो फॉरेस्ट है उनकी कंडीशन और मैनेजमेंट को बताना, जो हमारे जो जितने भी कंट्री है वर्ल्ड में उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है कि तुम अपने देश में जो भी तुम्हारे देश में जंगल है उनकी कंडीशन और उनके मैनेजमेंट के बारे में तुम बताओ भाई, तुम्हारे देश में किस तरह की कंडीशन है जंगलों की, वो इसका जो मेन मकसद है किसका, इस रिपोर्ट का, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA का, ठीक है, जो इसका मेन मकसद है। अब हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, अब हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस में है, जो 10 कंट्रीज के रिपोर्ट ने जो पब्लिश करा है उसके कुछ फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है कि जो 10 कंट्री है हमारी इस जो इसमें पार्ट जिस जो ये रिपोर्ट है उसमें जो 10 कंट्री है उन्होंने मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन्स किया है फॉरेस्ट में, वो है हमारी ड्यूरिंग 2010 और 20 के बीच में इन कंट्री ने जो नेट गेन करा है फॉरेस्ट में वो है हमारी कौन कौन सी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिली, वियतनाम, टर्की एंड USA, फ्रांस और इटली एंड रोमानिया। इन 10 देशों ने क्या करा है, नेट फॉरेस्ट गेन किया है, जो जंगलों में वृद्धि हुई है इन 10 देशों में, ठीक है, जो इन 10 देशों में क्या हुई है, जंगल में वृद्धि हुई है। अब जो नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे, एशियन कॉन्टिनेंट में। अब सबसे ज़्यादा नेट गेन कहाँ हुआ है, अगर कॉन्टिनेंट वाइज कंपैरिजन किया जाए तो नेट गेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ जंगलों का, वो हुआ है हमारे एशिया के कॉन्टिनेंट में, जो हमारा एशिया महाद्वीप है सबसे ज़्यादा नेट गेन यहीं पे हुआ है, ठीक है। 1.17 मिलियन हेक्टेयर गेन हुआ है, कब से कब तक, 2010 से 2020 तक सबसे ज़्यादा गेन एशिया में हुआ है जंगलों का, ठीक है, इस डिकेड में, ठीक है। अब इंडिया की कंडीशन देखते हैं, इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया क्या की क्या कंडीशन है इसमें, इंडिया की कंडीशन है, इंडिया ने नेट गेन करा है जंगल में कितना एनुअल गेन किया है, 0.38%, कितना 0.38% नेट गेन करा है जंगलों का इंडिया ने, ठीक है, जंगलों में इंडिया ने, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट, इंडिया ने रिपोर्ट करा है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, भारत में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद है हमारा FAO, ठीक है, FAO के बारे में जानेंगे हम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO क्या है, FAO एक एजेंसी है किसकी,
यूएन की यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो क्या करती है, जो लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट की, जो लीड करती है किसको, डिफीट हंगर, मतलब हंगर को, भूखमरी को खत्म करना इसका मेन मकसद है। किसका, इस एफएओ का जो मेन वर्क है वो क्या है, मेन फंक्शन क्या है कि जो हंगर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में उसको कैसे डिफीट किया जाए, कैसे उसको मात दी जाए हंगर को। ठीक है, आपको बताना है एसडीजी, सुना होगा एसडीजी गोल में हंगर कौन से गोल में आता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एसडीजी जो हमारे गोल है उनमें हंगर कौन से गोल में आता है। ठीक है, अबे हमारा इसका हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर है हमारा रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसका एम क्या है, इसका है अचीव फूड सिक्योरिटी को अचीव करना फॉर ऑल एंड मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड को अचीव करना और क्या है, हेल्थी लाइफ को प्रोक्योर करना, इसका मेन मकसद है। ठीक है, अब इसका रिपोर्ट जो ये एफएओ है वो कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक तो एफआरए रिपोर्ट को पब्लिश करता है, कौन, ये एफएओ, एक तो करता है एफआरए को पब्लिश, किसको, एफआरए को ये पब्लिश करता है, पहला ये है। अब अन्य रिपोर्ट कौन सी है, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स को भी कौन पब्लिश करता है, एफएओ पब्लिश करता है, कौन, एफएओ, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, जो एफएओ को कौन पब्लिश, एफएओ ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स को भी पब्लिश करता है और एफआरए को भी पब्लिश करता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करता है, वो करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी ध्यान देना, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी ये पब्लिश करता है, कौन, एफएओ। ठीक है, अब है हमारा जो नेक्स्ट रिसेंट टॉपिक है, हमारा रिसेंट न्यूज में आया है, वो है हमारा डेयर टू ड्रीम 2.0। ये रिसेंट न्यूज में क्यों आया, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, 5वीं डेथ एनिवर्सरी, तो डीआरडीओ ने उनकी डेथ एनिवर्सरी में क्या करा है, इन्होंने कहा है भाई कि क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए, मतलब ओपन चैलेंज है किसी के लिए, किस के लिए ओपन चैलेंज, ये हमारा स्टार्टअप और इंडिविजुअल और स्टार्टअप के लिए एक ओपन चैलेंज रखा है इन्होंने कि तुम कोई ऐसा इनोवेशन करके दिखाओ, ऐसा इनोवेशन करो किसमें, डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा इनोवेशन करो कि हम तुम्हें पुरस्कृत कर सके। ठीक है, किसने करा है? ये करा है डीआरडीओ ने, ये प्रोजेक्ट शुरू करा है। अब इसमें क्या है, इसमें इसके जो फीचर है, इसके फीचर बताना चाहूंगा आपको, मतलब इसके जो फीचर है उसके फीचर है, अगर जो विनर्स होगा किसमें, इंडिविजुअल और स्टार्टअप में अगर इंडिविजुअल में जो विनर होगा उसे 5 लाख का इनाम रखा गया है, और जो स्टार्टअप में जो विनर होगा उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा, और एक कमिटी बनाई गई है, मतलब एक एक्सपर्ट कमिटी होगी जो इसको रेगुलेट करेगी और जो इसे पुरस्कृत करेगी, जो इसकी देख रेख में बनाया गया, किसकी, एक एक्सपर्ट कमेटी बताएगी कि भाई ये वाला इंडिविजुअल अच्छा है और ये वाला स्टार्टअप अच्छा है जिसका इनोवेशन हमें पसंद आया, और इनोवेशन किसमें, डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। इसमें क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, इसमें क्वेश्चन जनरेट होगा डेयर टू ड्रीम 2.0 किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ये की गई है हमारे डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। थैंक यू दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।